खलारी प्रखंड सभागार में डीएमएफटी मद योजनाओं को लेकर बीडीओ लेखराज नाग की अध्यक्षता में बैठक की गई। इस बैठक में पंचायतों के मुखिया और प्रबुद्ध जनों द्वारा योजनाओं पर सुझाव दी गई, जिनमें प्रमुख रूप से सोलर जल मीनार, सड़कें, नालियां, खेल स्टेडियम, बच्चों के लिए पार्क, तालाबों का जीर्णोद्धार और सुंदरीकरण आदि शामिल है। वहीं इन सारी योजनाओं पर चर्चा भी किया गया। 10 अगस्त को उप विकास आयुक्त महोदय के द्वारा खिलाड़ी के जनप्रतिनिधियों के साथ डीएमएफटी के संबंध में कार्य योजना तैयार करने के लिए एक बैठक की गई थी, जिसमें उनके द्वारा निर्देश दिया गया था कि डीएमएफटी से संबंधित खिलाड़ी के विकास की कार्य योजना बनाने के लिए पुनः सर के द्वारा विभिन्न डिपार्टमेंट्स की टीम के साथ खिलाड़ी प्रखंड में एक बैठक की जाएगी। ये बैठक 18 अगस्त को होगी। इस बैठक की तैयारी के क्रम में आज 16 अगस्त को खिलाड़ी प्रखंड के जनप्रतिनिधियों और बुद्धिजीवियों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में खिलाड़ी के विकास के संबंध में एक कार्य योजना तैयार करने पर चर्चा हुई। विभिन्न जनप्रतिनिधियों ने इस संबंध में काफ़ी रचनात्मक सुझाव दिए हैं, उनको संकलित किया जा रहा है और ये जो संकलित कार्य योजना का प्रारूप है, इसे डीडीसी सर के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा ताकि डीएमएफटी के माध्यम से इसका क्रियान्वयन हो सके। वहीं खलारी प्रखंड के 5 पंचायतों को जलापूर्ति करने वाले फिल्टर प्लांट को सपही नदी के सूखने पर निकट के चूना पत्थर खदान से पानी दिया जाएगा। पीएचईडी के कार्यपालक अभियंता के सुझाव पर ग्रामीणों की सहमति बनने के बाद कार्यपालक अभियंता आनंद कुमार खदान का पानी देखने गए। उन्होंने कहा कि पानी को बिल्कुल पीने योग्य बनाकर घरों तक पहुंचाया जाएगा। इधर बीडीओ ने सोलर जल मीनार की एक नई योजना की जानकारी भी दी। बताया कि आवश्यक जगहों पर 16,000 लीटर का कंक्रीट जल मीनार बनाया जाएगा, जिससे 80 घरों को पानी मिल सकेगा। खासकर ये खलारी प्रखंड में एक योजना बनी हुई थी, जिससे 5 पंचायतों को पानी दिया जाता था, सफ़ेद नदी से था। गर्मी के दिनों में ये नदी का जलस्तर घट जाता है, लगभग सूख जाती है, तो वैकल्पिक स्रोत के लिए हम लोग यहाँ पर घूम रहे हैं और ये अबंडेंट माइंस पिट है, इसका उपयोग हम लोग लीन पीरियड में पानी देने के लिए कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग आए थे, देखें हम लोग इसका, अब हम लोग सर्वे बना के सर्वे करके इसका डीपीआर तैयार कर लेंगे। सर, आपके द्वारा निरीक्षण किया गया है? हाँ, तो कई जगहों का निरीक्षण किया गया है। हाँ, इसके पहले एक तालाब भी देखा मैंने, तो तालाब में जैसा कहा जा रहा है कि गर्मी के दिनों में उतना पानी उसमें नहीं रहता है, तो बेटर होगा कि हम लोग इस माइंस पिट को ही यूज़ करें। बोकारो के चंद्रपुरा प्रखंड के तेलो पश्चिमी पंचायत के हरिजन टोला का एक युवक संजय तूरी पलायन की भेंट चढ़ गया। वह अपने परिवार वालों के भरण पोषण को लेकर मुंबई कुछ दिन पहले ही गया था, लेकिन अचानक तबीयत बिगड़ने से उसकी जान चली गई। मिली जानकारी के अनुसार संजय तूरी की अचानक तबीयत खराब हो गई। आनन फानन में एक निजी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी स्थिति को गंभीर देखते हुए वहाँ के डॉक्टरों ने उसे रेफर कर दिया। संजय तूरी को साई हॉस्पिटल मुंबई में भर्ती कराया गया। वहां के डॉक्टरों ने भी कहा कि इनकी स्थिति काफी गंभीर हो गई है, इसे बचाना बहुत मुश्किल होगा। डॉक्टरों ने काफी हद तक प्रयास किया, लेकिन वह बच नहीं पाए और उनकी जान चली गई। बताते चले कि मृतक मुंबई में ही मजदूरी करता था। खलारी थाना क्षेत्र के चूरी बगलत्ता घाटी में एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। जानकारी के अनुसार डगरा महाप्रबंधक कार्यालय में कार्यरत सीसीएल कर्मी अक्षय कुमार रांची से ड्यूटी के लिए डगरा आ रहे थे। इस दौरान बगलत्ता घाटी के बाद उनकी कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पत्थर से जा टकराई और दुर्घटनाग्रस्त हो गई। एयरबैग खुलने के कारण कार सवार की जान बच गई। ऐसे ही और तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें लाइव इंडिया हर पल। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।